पंतनगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं को विकास विरोधी बताते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। यहां अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष महेंद्र पाल वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोविंद गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस मौके पर महेंद्र पाल वाल्मीकि ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला के प्रयासों से पंतनगर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार ही नहीं पर्यटन व प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही विकास विरोधी रही है। कांग्रेस के नेताओं का एयरपोर्ट योजना का विरोध करना यह साबित करता है कि इनकी सोच हमेशा से विकास विरोधी रही है। वास्तव में जो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है इसका जो विरोध कर रहे हैं, वास्तव में ये विकास विरोधी लोग हैं। कांग्रेस जो है विकास विरोधी की नीति अपनाती है और इसी के विरोध में हमने आज इनका पुतला फूंका हुआ है। हमारे युवा साथी और पूरे क्षेत्रवासी इस चीज़ से बड़े ही गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं कि जो क्षेत्र का विकास हो रहा है, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा तो यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यटन के साधन बढ़ेंगे, राज्य की आय बढ़ेगी, नव युवकों को रोज़गार मिलने के भरपूर चांस रहेंगे, जिसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विरोध में हमने इनका पुतला फूंका है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज हमें यहाँ पर मॉडल डिग्री कॉलेज मिला है, आज हमें नगर पंचायत नगला नगर पंचायत मिली है, आज हमें मेडिकल कॉलेज मिले हैं, लड़कियों के लिए कई कॉलेज इस तरीके से यहाँ पर विस्तारीकरण किए जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग विकास की नीति ना चाहते हुए सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, जो कि सत्ता आज समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि इस तरीके की राजनीति अब आगे नहीं चलने वाली है।